कहाँ गए हो अनिल भैया? आइए सबसे पहले मैं इस धरती को मैं नमन करता हूँ, गंगा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, भोले शंकर को प्रणाम करता हूँ, संकट मोचन को प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पे आए हुए हमारे जो भी गार्जियन हमारे भाई तुल्य हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और एकाएक मेरे दिमाग में आया कि मुझे बहुत दिन हो गया था, 1 साल हो गया, चुनाव के पहले मैं बनारस आया था और आज कल मेरे दिमाग में एकाएक आया कि मुझे बनारस चलना चाहिए और आज मैं बनारस आया हूं। और मेरा उद्देश्य है कि जो भी हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक और हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, मैं उनको सम्मानित करूंगा और फिर आगे का जो कार्यक्रम होगा हम लोग करेंगे। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र 1 साल पहले आया था और 1 साल बाद, क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर दिख रहा है। जैसे घाट का जो साफ सफाई है या शहर का जो साफ सफाई है, बिजली, बॉल, बत्ती, बहुत ऐसे काम है जो हम लोग पहले आते थे देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ घाट का था और आज घाट देखिए एकदम साफ सफाई नज़र आ रहा है। पूरे दुनिया के लोग आते हैं, सब लोग यहाँ बैठते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी की धरती पे आए हैं जी, काशी की धरती पे आए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना क्या चाहेंगे, अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए और आपस में तालमेल करके रहना चाहिए। देश का विकास होना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, यही हमारी सोच है। 5 बार से आप विधायक हैं, मंत्री क्यों नहीं बनाया, कारण क्या है? देखिए, मंत्री और विधायक से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। मंत्री विधायक बनना तो, देखिए, विधायक बनना किस्मत की बात होती है, लेकिन लोकप्रिय होना वह अपने कर्म की बात होती है। और जहाँ तक मंत्री की बात है तो आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और उनमें हमारी आस्था पहले भी थी और आज भी है और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। हमारा नेता नीतीश कुमार हैं, आगे भी रहेंगे। और मंत्री तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मंत्री बनेंगे हम, आप लोग देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है।